राजस्थान का सियासी रन इसी साल है और 2023 की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं और राजस्थान में बीजेपी की तैयारियों को धार दे रहे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाने को लेकर बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसी का नतीजा है कि सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बदलते ही राजस्थान में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब पार्टी की कमान पूनिया की जगह सीपी जोशी के हाथ में है, जिन्हें अमित शाह और पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता है। इतना ही नहीं, जानकार मानते हैं कि चुनाव से पहले सीपी जोशी पार्टी में बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। 2018 में सरकार जाने के बाद बीजेपी मानो दो खेमों में बढ़ती चली गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का अपना महारानी वाला जलवा है, जिसके कारण बीजेपी का एक बड़ा तबका अब भी उनके साथ है। वहीं बतौर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पार्टी के लिए 3 साल तक डटकर काम किया और महारानी से अलग अपने समर्थकों की अच्छी खासी जमात खड़ी कर ली। हालांकि पूनिया की कुर्सी भी इसी वजह से गई। कांग्रेस में गहलोत पायलट के झगड़े से राजस्थान का बच्चा बच्चा वाकिफ है और बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले बीजेपी में भी ऐसे ही हालात पैदा हो जाएं। पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चाहे जो भी हो जाए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अब प्रदेश में बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी खूब तंज कसे। शाह ने कहा, राजस्थान में चेहरे को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से सरकार चलाई है उससे निश्चित है कि राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। शायद इसीलिए ही आलाकमान उनको अध्यक्ष बनाकर रास्ता साफ करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं निकले। ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी। आपको बता दें कि अमित शाह ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उलटफेर होने जा रहा है। दोनों राज्यों में बीजेपी कांग्रेस से कुर्सी छीनने वाली है। पब्लिक में भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस चुनाव में भुगतेगी। अब बीजेपी के चाणक्य के इन दावों से कांग्रेस की हवा टाइट हो रही है। कांग्रेस भी बीजेपी की रणनीति का तोड़ निकालने में जुट गई है। बहरहाल चुनाव से पहले अमित शाह ने बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया है। दावा है कि राजस्थान में बीजेपी अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। अब देखना होगा शाह का ये दावा सही साबित होता है या महज जुमला रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।